अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फारूक साहब। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू बीएसएल आईटीयू विद राफे आमिर साहब। राफे आमिर साहब इज करंटली डूइंग बीएसएल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईटीयू एंड हैज फिनिश्ड हिज फोर्थ सेमेस्टर। बाकी उन्होंने आईटीयू में एडमिशन कैसे सिक्योर किया, आईटीयू की फीसेज क्या है, स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल है, आईटीयू में किस तरह आप जो है अपना डिग्रीज और देख सकते हैं कितनी डिग्रीज ऑफर कर रहा है और उनके मेरिट्स क्या है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राफे आमिर साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, थोड़ा सा अपने बारे में व्यूअर्स को बता दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं जैसे कि उन्होंने बता दिया, राफे आमिर मेरा नाम है और आईटीयू से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने लगा। इससे पहले मैंने मेरा एफएससी बैकग्राउंड है और मैट्रिक बैकग्राउंड है। तो मैट्रिक में मेरे थे 904 मार्क्स और इंटर में से मेरे 844 मार्क्स। ठीक है, और और आपने जो एडमिशन ईयर की बेस पे होता है तो उसमें थे 391। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपने जो है एफएससी और मैट्रिक इधर लाहौर से ही किया हुआ है, कौन से स्कूल और कॉलेज से? स्कूल तो मेरा इधर लोकली था, मेरे घर के पास ही, और जो कॉलेज था वो मैं किप्स कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने, किप्स कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस। माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताइएगा राफे आमिर साहब, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस को जो है वो क्लियर कर दीजिएगा कि कहाँ से मतलब फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं और कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं और फीस बेसिक बिफोर टेस्टिंग मतलब जो जो होता है वो क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में। जो एडमिशन प्रोसेस है ना आईटीयू का, वो मेरा ख्याल है सबसे सिंपल और सबसे इजी है अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक। सिंपल, आपने आईटीयू की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर एडमिशन जब ओपन होंगे तो ऊपर एक ना बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप ना खुद ही गाइड करता जाता है। आपने जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है ऑनलाइन ही, जिस तरह फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन ही फॉर्म होगा, उसको आप जब सारा फिल कर लेंगे तो उसके बाद एंड पे सेक्शन रह जाता है फी का, जो एडमिशन टेस्ट की फीस है वो। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो आप बैंक ऑफ पंजाब में जाके जमा करवा सकते हैं और दूसरा है कि आप ना कार्ड से पे कर सकते हैं। तो जैसे ही वो पेमेंट हो जाती है और आईटीयू जो है उनके पास पहुंच जाती है एडमिशन ऑफिस के पास, तो आपका स्टेटस जो है ना फॉर्म का, उसको अपडेट कर देते हैं और आपको टेस्ट की डेट वगैरह और जो भी सारा उनका तरीके का है ना, वो आपको मेरा ख्याल है विद इन 1 to 2 days वो आपको बता देते हैं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि सारा ही ऑनलाइन सिस्टम है, अगर कोई भाई या बहन वायर भी आउटसाइड दी लाहौर जो है तो उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है कि जो है ना वो मतलब उनको लाहौर आने की जरूरत नहीं है फॉर अप्लाइंग टू द आईटीयू एटलीस्ट बिफोर द एडमिशन टेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा, अब आपने बताया चले एप्लीकेशन प्रोसेस उम्मीद करते हैं सबका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आती टेस्ट के बारे में। टेस्ट का फॉर्मेट बताइएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितनी परसेंटेज, थोड़ा सा ओवरऑल एप्लीकेशन बता दीजिएगा। अच्छा, मैं इसको जो हमारी बार था ना, मैंने किया था ज्वाइन 2019 में टेस्ट लिया था, तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। उसके बाद थोड़ी सी कोविड की वजह से भी पॉलिसी चेंज हुई है और अब भी चेंज हुई है। हमारी दफा था कि 50% मार्क्स थे एकेडमिक रिकॉर्ड के और 50% थे एंट्री टेस्ट के। अब एंट्री टेस्ट के सिलेबस की अगर बात करें ना, तो हमें मैथ्स का पोर्शन आया था काफ़ी ज़्यादा और फिजिक्स का आया था, आई थिंक केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे और इंग्लिश का पोर्शन था। ये हो गई हमारी दफा की बात। उसके बाद जो कोविड का था, उसमें तो आपको पता ही है कि किस तरह एडमिशन है। जो अब क्या है ना, उसमें मैं देखा है कि जो अभी रिसेंटली अभी एडमिशन हुए हैं, इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन भी नहीं आया और फिजिक्स का पोर्शन भी मेरा ख्याल नहीं आया। जो मैथ्स का पोर्शन था वो सबसे ज़्यादा आया और इंग्लिश का पोर्शन आया। और अभी भी इलेक्ट्रिकल के लिए 50% जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड है और 50% जो है वो आपका एंट्री टेस्ट है। जबकि अगर कंप्यूटर साइंस का भी मैं बता देता हूँ, जो कंप्यूटर साइंस है उसके लिए 60% जो है वो एंट्री टेस्ट का काउंट हो रहा है और 40% जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड है। ठीक, अच्छा, बाय एकेडमिक रिकॉर्ड यू मीन बोथ एफएससी एंड मैट्रिक या ओनली एफएससी? थोड़ा सा इस बारे में क्लियर आउट कर दीजिएगा।
बोथ एफएससी और मैट्रिक दोनों? अगर 50% है तो 25% मैट्रिक, 25% एफएससी, या कुछ डिफरेंस परसेंटेज डिफर करती है दोनों के? मेरा इसका डिफरेंट है, हमारा जो था 30% फर्स्ट ईयर के मार्क्स थे और 20% जो था वो मैट्रिक का था, और अभी जो ठीक लेटेस्ट है उसका नहीं मुझे पता, ना ही कहीं मेंशन है। है, अगर अगर हम पुराने मेथड पे भी इवेल्यूएट करें तो 0.3 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.2 इंटू मैट्रिक परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.5 इंटू टेस्टिंग मार्क्स परसेंटेज जो है वो ये फॉर्मूला था। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आपने टेस्ट के बारे में बताया कि मैथमेटिक्स आ रहा है और इंग्लिश इस बार में आ रहा है, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या कोई एफएससी से आता है, मैट्रिक से आता है, इस बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा गाइड कीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो अगर आप मैट्रिक और एफएससी बैकग्राउंड से है ना, तो अभी तक आपने जितना भी मैथ्स का पढ़ लिया है उस सब से आपको टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है ना वो क्वांटिटेटिव का और एनालिटिक का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का और डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का होता है पोर्शन ज़्यादा। ठीक सही है, यानी कि मोस्टली आफ्टर द चैप्टर में हाँ ये 9 ट्रिग्नोमेट्री आप वापस ले आई हैव डन 18 2007, तो मैं 9 चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती थी, और मोस्टली जो है सेकंड एफएससी की सेकंड बुक से ज्यादातर उसमें से पोर्शन आता है। बिल्कुल, सो और बताया कि जिस तरह सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो एनालिटिकल का और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, ठीक है और ये भी तैयार। और ये कहाँ से तैयार कर सकते हैं, मतलब ये जैसे एनटीएस टेस्ट स्टाइल है उसी तरह का वो जो आता है कि मतलब 4 पर्सन इधर थे तो उनको मतलब 3 को ऐसे वर्क एवेल्यूएट हुआ, तो उस तरह का क्वांटिटेटिव और उसका आ क्या गया? हाँ लाइक उसी तरह का ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। कहले कि एनटीएस इज रिलेटिवली इजी। इसी ठीक है, तो लेकिन 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 आप ऑनलाइन कोई साइट जो है वो रेफर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, जहां से जाके वो इसको बेहतर तरीके से मतलब इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ताकि ऑब्वियसली 50% इज अ ह्यूज मार्क्स, अगर मतलब 100 मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब है एवरी 2 करेक्ट आंसर इज गिविंग यू अ 1 एब्सोल्यूट हायर इन द मेरिट, सो मतलब अल्टीमेटली जो है अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो सकता है आप मतलब जो भी सबसे टॉप मेरिट वाली, अगर आप लोएस्ट में थे तो शायद टॉप वाली में चले जाए, सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट वन, तो उसके लिए कहाँ से एनालिटिकल के लिए जो है वो प्रिपेयर करें उसको? अच्छा मुझे मैंने ऐसा इतना इसकी गूगल से तैयारी नहीं की थी, जी मैंने किप्स ही ज्वाइन किया था एंट्रेंस के जी लिए, तो उनका एक प्रोग्राम होता है फंग फंग का, तो और उसमें नंबर ऑफ किस्म की ना बुक्स होती है, और उसमें एक इसकी क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की अलग से एक बुक थी जो मेरा ख्याल है 1000+ पेजेस की थी, तो उसी को तैयार किया था हम लोगों ने। ठीक, सही है, डन हो गया आपका नंबर एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं मतलब देखने पे के जो आना मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, और जिनको आप रन टाइम पे सॉल्व कर जी सकते हैं, डन हो गया, डन हो गया। कोई कोई वेबसाइट या यूट्यूब चैनल, ऑब्वियसली आवर ऑडियंस इज मोस्टली रिलेटेड टू द इंटरनेट, जो यूट्यूब से इंटरव्यू देख रहा है ही हैज एक्सेस टू द इंटरनेट, सो वी वांट के उनको इजनेस रहे के जो है ना जब यूट्यूब पे इंटरव्यू होता है वो करीब से अगर वो लिंक भी शेयर करें तो वो करें, तो कोई कोई अगर आपके वेबसाइट अगर अभी हो या बाद में भी आप बता देंगे तो मैं पेस्ट करवा दूंगा इधर इंटरव्यू के इसी इसी पार्ट में। ठीक है, मुझे ऐसा अभी याद नहीं है कोई, ना ही मैंने गूगल से इसके लिए हेल्प ली है कभी, ठीक, तो मैं नहीं बता डन हो सकता। गया। अच्छा, और पास्ट पेपर्स कोई वो कहीं से मिल सकते हैं, मतलब वो कहाँ पे अगर स्टूडेंट, क्योंकि पास्ट पेपर्स की बेस पे बहुत ज्यादा बेहतर अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि किस तरह का ओवरऑल पेपर आता है, तो उसकी हेल्प हो जाती है चाहे वो बुक्स में ही हो कहीं मतलब डोगर्स की किड्स की किसी भी बुक में भी हो या ऑनलाइन ही, तो कहाँ से कहीं से पास्ट पेपर्स इसके मिल सकते हैं आईटीयू के, या सैंपल पेपर्स मिल जाए जिसकी बेस पे हम अज्यूम कर सकें कि किस तरह का टेस्ट का आ रहा है। अच्छा ये इससे मुझे भी बड़ी हेल्प हुई थी, आईटीयू की अपनी वेबसाइट वाली ना जहाँ पर आप एडमिशन्स का सारा काम है, जी उधर ही उन्होंने सैंपल पेपर भी दिए हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, उससे आपको आइडिया एटलीस्ट हो जाएगा कि किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप फिर स्पेसिफिकली उसी को तैयार कर लो, जी ठीक, अच्छा तो इससे जी, काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी भी। जी, अच्छा ठीक है, आपने पांच पेपर्स का ही बता दिया, तो सो वी कैन अज्यूम कि अगर किसी ने एफएससी भी कंसेप्चुअली पढ़ी है तो ही हैज द एबिलिटी टू एटलीस्ट
गेट गुड मार्क्स इन द मैथमेटिक्स पार्ट. अभी इंग्लिश पार्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि इंग्लिश पार्ट ऑब्वियसली वुड बी डिफरेंट देन द एफएससी, क्योंकि उसमें थोड़ा मेरे ख्याल वोकैबुलरी टाइप या कुछ इस तरह की वैल्यूएशन, यूजुअली यूनिवर्सिटीज इस तरह की वैल्यूएशन उसमें कर रही होती है. तो मैट्रिक सॉरी एफएससी और मैट्रिक का और ओवरऑल एनालिटिकल रीजनिंग अगर बेहतर तरीके से कर लेता है तो मैथमेटिक्स पार्ट वो कवर कर लेगा इस तरीके से. अब आते हैं इंग्लिश पार्ट की तरफ. अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश पार्ट में बता दीजिएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या उसका पैटर्न होता है, और आया वो भी कोई एफएससी से होता है या वो खुद से ही एक जर्नल होता है जिसको आप जो आपने पढ़ा एफएससी तक उसकी बेस पे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और आपकी क्या मतलब आपकी मेमोरी कैसी है उस बारे में टेस्ट किया जा रहा है. तो इंग्लिश की अगर बात करें ना, तो आपने मोस्टली बच्चों ने मैट्रिक और एफएससी में या ओए लेवल्स में कॉम्प्रिहेंशन की होती है, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं. उसके अलावा सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं. इंग्लिश के उसमें ना एक पार्ट आता है कि आपने आपको एक सेंटेंस दिया होता है, बीच में टू फोर जिसको प्रेपोजिशन कहते हैं, प्रेपोजिशन भी आती है. तो मोस्टली यही है मेजर. ठीक माशाल्लाह. अच्छा, अब आपने टेस्टिंग का मोस्टली क्लियर हो गया. एक तो वो वही मतलब इंग्लिश का वैसे ही बेसिक पार्ट जो मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में आता है, वो मेरे हाल में ईकैड में भी इस तरह का तकरीबन पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स, और मेरे हाल उसमें पैराग्राफ की बेसिस पे क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं जैसे आपने कहा, और मतलब उसी तरह का बेसिक पैटर्न आप रेडी करें. और दूसरा एफएससी का आपने बता दी कि आप कोशिश करें एफएससी को अच्छी तरह किया हो जो है मैथमेटिक्स और एनालिटिकल रीजनिंग को अच्छी तरह कर ले तो उसको कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं. आपने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट इन्होंने ऑल टुगेदर, वो मेरे ख्याल में उसको डिस्कार्ड करने का मकसद भी यही है कि मोस्ट प्रोबब्ली ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का भी पेपर ले रहे होते हैं और उसका भी ले रहे होते हैं, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. अब कुछ आईसीएस बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, इसलिए मेरे ख्याल में वो सब्जेक्ट डिस्कार्डिंग, और शायद जो है फिजिक्स का मुझे नहीं पता क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि फिजिक्स तो शायद मेरे ख्याल में हर सब्जेक्ट में आने वाले जो है पढ़ के आते हैं, चाहे आईसीएस से हो या वो उसमें. लेकिन मेरे ख्याल में जो है फिजिक्स पढ़ के आते हैं आईसीएस वाले कि नहीं आराफे हमें सब डू यू हैव फिजिक्स तो पढ़ के आते हैं. और मैं आपको इंटरप्ट करूं, जो मैंने बताया था ना कि इंग्लिश का पोर्शन और मैथ का पोर्शन आया था अभी लास्ट टाइम, वो मैं बता रहा था कंप्यूटर साइंस का, जो कंप्यूटर साइंस का भी टेस्ट हुआ ना उसमें जो इलेक्ट्रिकल का है उसमें फिजिक्स का पोर्शन आएगा और मेरे ख्याल आया भी होगा, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो फिजिक्स का पोर्शन उसमें लाजमी होगा. ठीक, यानी के दो टेस्ट बने होते हैं, मतलब आपने बताना होता है कि आप एफएससी बैकग्राउंड से आए हैं या आईसीएस बैकग्राउंड से, उसकी बेस पे आपको टेस्ट मिलेगा उधर, या वो उधर ही आपको चॉइसेस देंगे कि आपने कौन सा उस हिसाब से आपने सॉल्व करना होता है. नहीं, ऐसे नहीं है. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना वो स्पेसिफिक होता है, अगर आपने एक दफा फी पे करनी है ना, मतलब सीएस के लिए अलग टेस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अलग है. अगर आपने सीएस का देना है तो आपको एक दफा फी देनी पड़ेगी, अगर डबल ई इलेक्ट्रिकल का भी देना है तो आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी. तो ये अलग अलग है, आप वहाँ जाके चॉइस नहीं है आपके पास कि आपने इलेक्ट्रिकल का अटेम्प्ट करना है कि कंप्यूटर साइंस का अटेम्प्ट करना है. ठीक माशाल्लाह, ठीक है. अच्छा, आपने आपने अच्छा आप बताएं कि एक दफा टेस्ट अज्यूम करते हैं उसने अच्छे तरीके से पास कर लिया, उसके बाद क्या कोई इंटरव्यू वगैरह भी होता है, चाहे वो जर्नल हो या किसी भी किस्म का टेस्ट हो, मतलब जिसमें एवेल्युएशन हो रही हो स्टूडेंट्स की, इस बारे में बताइएगा. नहीं, बैचलर्स लेवल पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किए जाते, ये मास्टर्स लेवल पर किए जाते हैं. ठीक है, बैचलर्स लेवल पे किसी भी किस्म का, मतलब जर्नल भी नहीं कि आप क्यों इस डिग्री में आना चाहते हैं, ओवरऑल इस तरह की कोई एवेल्युएशन नहीं हो रही होती. नहीं, हमारे साथ एटलीस्ट नहीं हुआ था, और जो अभी भी हुआ है उनके साथ भी नहीं है. ठीक. अच्छा, इंटरव्यू को बता दिया. अब आपने एग्रीगेट तो कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया कि एफएससी इतने परसेंट होती है, मैट्रिक इतने परसेंट होती है और टेस्टिंग इतनी होती है. मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या कोई इम्प्रूव करने का भी मेथड होता है, मतलब इसमें दो दफा टेस्ट दे सकता हो, जैसे कॉम्सेट्स में आने से पहले आप दो तीन दफा एनटीएस का टेस्ट दे सकते हैं, तो इसमें क्या कोई इम्प्रूवमेंट ऑफ टेस्ट के कोई चांसेस होते हैं, या एक ही दफा जो आपने कर लिया वो ही दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल मेरिट जो है. इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई वो फिगर नहीं है. टेस्ट आईटीओ का एक दफा ही होगा, उससे पहले आपके पास एक चांस ये है कि आप सेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो या फिर जो आईटीओ का टेस्ट है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हो. तो आपको लगता है आपको जिसमें मार्क्स ज्यादा है
अगर सैट में ज्यादा है तो उसके थ्रू अप्लाई करें, या अगर आपको उम्मीद है कि आईटीयू का जो टेस्ट है उसमें ज्यादा आ सकते हैं फिर आप उसके थ्रू अप्लाई करें। दैट्स अ गुड वैल्यूएबल फीडबैक माशाल्लाह। मतलब यानी कि स्टूडेंट्स एक एक सेट का देखे उस उनको ऑब्वियसली अगर वो आईटीयू में ही आना चाहते हैं तो उनको एज जरूर है कि मतलब एक दफा सेट का देखे आ गए हैं। और मेरे ख्याल में दे हैव सेम अप्रोक्सीमेटली सेम पैटर्न एज फार एज आई नो, मतलब सेट और जो इनका टेस्ट है आईटीयू का सेम पैटर्न है। स्पेल हो जाएगी, अच्छा, वैसे स्पेल हो जाएगी आईटीयू के आपके टेस्ट एंड। को अब मुझे मुझे अभी पर्सनली नहीं पता, लेकिन मुझे याद है मैं असल में इंटरव्यू करता रहता हूँ तो मुझे याद है कि इसी तरह का कुछ उन्होंने पैटर्न बताया था, वो लम्स में शायद पढ़े थे तो उन्होंने उससे रिलेटेड बताया था। अच्छा मुझे बताइएगा अपने आईटीयू के टेस्ट को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, जैसे मतलब नस्ट के नीट यूईटी वगैरह में कहीं जाना तो ई कैट, तो इसके कुछ टेस्ट का नाम है आईटीयू के टेस्ट का स्पेसिफिकली? नहीं अच्छा अच्छा कोई ठीक, ऐसा नहीं। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा इस टाइम जो है आईटीयू में बीएस अंडर ग्रेजुएट, टॉकिंग अबाउट द अंडर ग्रेजुएट, कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं, उनके पिछले सालों में मेरिट्स क्या रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स रिज्यूम कर सके कि हमारे इतने मार्क्स है तो वो आया वी वुड बी एबल टू गेट एडमिशन इन टू आईटीयू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आना, थोड़ा सा इस बारे में। बैचलर्स लेवल पर अभी कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, जो कंप्यूटर साइंस है उसका सबसे ज़्यादा मेरिट है। हमारी दफ़ा यानी कि 2019 में जो सबसे लोएस्ट किसका था एग्रीगेट, वो आई थिंक 75 या 78 था जो जिसका एडमिशन हुआ था। और ठीक है इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 60 से 65 के दरम्यान था, और ठीक मुझे है बाकियों का नहीं पता। रिलेटिवली जो एमटी है यानी कि मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसका भी हाई ही होता है इलेक्ट्रिकल के जितना ही होता है। डन हो गया ठीक है गुड हो गया। अच्छा मुझे बताइए स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से मंथ्स रिमेम्बर करने चाहिए रखने चाहिए, ताकि यूजुअली होता है ना एक टेस्ट का पैटर्न होता है कि उसी मंथ में यूजुअली क्लासेस भी उसके एक मंथ बाद स्टार्ट हो रही होती हैं, एक एक पैटर्न होता है फॉल स्प्रिंग सेमेस्टर का, तो इनका क्या क्या जो है मंथ्स हैं जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स को देखते रहना चाहिए कि इनका एडमिशन आए हैं कि नहीं, टेस्ट हो रहा है कि नहीं, उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा, आईटीयू का जो है ना साल में एक दफा ही इनटेक होती है और वो फॉल में होती है, जिसके जो एडमिशन प्रोसेस है या एप्लीकेशन जो है वो आई थिंक अप्रैल में अप्रैल के अंदर ना वो ओपन हो जाती है, और जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट हो वो आपका एंट्री टेस्ट भी हो जाता ठीक है अभी एंट्री टेस्ट हो चुका है आईटीयू का इस मंथ है। का? हाँ जी, अच्छा एंट्री जी टेस्ट हो चुकी है। इस ईयर का हो चुका है ठीक है, और दाखले हो चुके हैं या अभी अभी मेरिट शेरिट बनना है अभी? नहीं, बस 2-4 दिन में मेरा ख्याल है लगनी है, लिस्ट लगनी है, तो उसमें हो जाएगा सेशन पर। डन हो गया डन हो गया। अच्छा आपने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दीगा, अज्यूम करते हैं एक स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स गेट किए, ही गॉट द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आप बताएं यूनिवर्सिटी फीस क्या है पर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चार्ज कर रहे होते हैं बाकी सेमेस्टर में, वही मुझे पता है कि इसमें ऑब्वियसली हर साल के साल कईयों में 10% चेंज आता है, किसी में डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एक अंदाजा हो जाए स्टूडेंट्स को ताकि पता हो कि इतने पैसे देने पड़ते हैं पर सेमेस्टर वाइज एकेडमिक के लिए। तो आईटीयू में जो पर सेमेस्टर की फीस मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि पर क्रेडिट आवर जो है ना उसकी फीस होती है 5500 एक क्रेडिट आवर की। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आई थिंक 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना उसके अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते हैं, जिसको हम यूनिवर्सिटी चार्जेस कहते हैं और सिक्योरिटी चार्जेस कहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आप आएंगे ना तो आई गेस 24 से 25 थाउजेंड वो होता है, और साथ आपकी ट्यूशन फी होती है, तो ये मिलाकर 1,30,000 आई थिंक ये बनता है। ये और फर्स्ट उसके सेमेस्टर बाद में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर जी। उसके बाद जब बाकी जितने भी सेमेस्टर है ना ट्यूशन फी जो है पर क्रेडिट आज 5500 जाती है, और जो यूनिवर्सिटी चार्जेज है वो 20,000 होता है, ठीक है वो एब्सोल्यूट हो जाते हैं उसके बाद जो है वो 25,000 एक्चुअली डन हो गया। अच्छा आपने फी के बाद आप देखे देखे दैट्स अ हेफ्टी अमाउंट टू पे बाय मेनी इंडिविजुअल्स जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो उनके लिए क्या यूनिवर्सिटी ने क्या इस तरह के स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प जो है अवेल करवाई हुई है, ताकि स्टूडेंट्स जो
मतलब आए हैं मेरिट पे, वो सिर्फ इसकी अनअवेलेबल फंड्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से दे डोंट हैव टू लीव द यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए थोड़ा सा। अच्छा, आईटीयू जो है ना इस मामले के अंदर आई गेस सबसे अच्छी है, यूईटी का मुझे यूईटी से भी अच्छी ही हुई। जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरिट की बेस पर, उनको तो वैसे ही 100% फी वेवर मिल जाता है। उन्होंने खाली आई गेस वो 24,000 या 20,000 जो है वो ही देना होता है। इसके बाद बात करते हैं बाकी बच्चों की, तो उनके लिए जो है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वो आईटीयू प्रोवाइड करती है, जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आ जाती है, पीस वगैरह जो HEC की तरफ से जितने भी स्कॉलरशिप है ना वो सब आईटीओ पर गए। उसके अलावा GPA बेस्ड जो है स्कॉलरशिप वो भी होती है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अगर 3.5 GPA ले लिया, ठीक है, तो उस पर आपको 50% जो है ना ट्यूशन फी पर ऑफ मिल जाता है। अगर आपकी एक सेमेस्टर की जो है ट्यूशन फी बनती है ना 1 लाख रुपये, तो वो आपको 50,000 देनी होगी नेक्स्ट सेमेस्टर की। और ये जो स्कॉलरशिप वाला है ना ग्रेड पर, ये है CGPA पर। तो अभी मोस्ट ऑफ जो बच्चे देख रहे होंगे वो क्योंकि नए हैं तो उनको हो सकता है इतना अंदाजा ना हो CGPA का, तो अभी इसको इधर तक ये रखते हैं कि जो GPA बेस्ड है वो 50% स्कॉलरशिप 3.5 से ऊपर, फिर 3.65 से ऊपर 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको, और 3.8 पर आई गेस 100%। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो मतलब पॉजिटिव न्यूज है कि मतलब स्कॉलरशिप के बहुत सारे फॉर्मर्स हैं, कुछ ना कुछ मतलब अगर आप पहुंच गए हैं वो तो ITU वुड मेक श्योर कि आप जो है ना सिर्फ फंड की अवेलेबिलिटी की वजह से ITU छोड़ के ना जाए। अच्छा, मुझे बताइए कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन आया, ITU हॉस्टल है अवेलेबल या नहीं है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। ITU के अंदर ऐसा हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ITU के जो सराउंडिंग है ना वहाँ पर बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो आई थिंक ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई आउट ऑफ सिटी से भी आ रहा है तो उसको यहाँ पर काफ़ी कम पैसों में और अच्छा हॉस्टल मिल जाता है कैंपस के बिल्कुल पास ही। ठीक है, ठीक है। एनी फाइनल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स जो या व्यूअर्स जो भी आना चाह रहे हैं ITU में, उनके लिए जो जो चाह रहे हैं कि मैं जो है अल्टीमेटली जो है ITU में पढ़ूं, उनको आप समझते हैं कि यार ये चीजें अगर करके आए तो यू वुड बी एबल टू परस्यू मच फ्रीली एंड बेटर वे, अगर आप ये चीजें परस्यू करके आए, थोड़ा सा इस बारे में। अच्छा, मैं इसमें जो बच्चे हैं उनको एडवाइस करूंगा, जिनका एडमिशन हो गया जी उनको जिनका हो जाएगा तो वो अपने साथ क्या लाए, सबसे पहले तो आपने ना एक डेडिकेशन के साथ आना, यानी कि आपकी लाइफ में ना एक गोल होना चाहिए। अगर तो आपकी लाइफ में गोल है ना तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो आपके लिए वो जो टाइम स्पैम है ना वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लाइफ स्पैम बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आएंगे ना यूनिवर्सिटी, हम आ जाते हैं ठीक है यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करने, तो यकीन करें मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट करेगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि जो नए बच्चे आएंगे वो एक डेडिकेशन के साथ आए कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने यहाँ से खुद को कुछ बना के निकलना है, ठीक है। आपके साथ आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए जो मार्केट में किसी और के पास ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर है भी मार्केट में तो आपका सबसे टॉप पे होना चाहिए ताकि आपकी जो है मांग वो सबसे ज्यादा हो, जो है इसको मेक श्योर करें। बिल्कुल। तो राफी आमिर साहब, वैसे भी यार ये बल्कि मैं स्टूडेंट साहब एंड है तो मैं खुद भी स्टूडेंट्स को एडवाइस जरूर करूंगा, बल्कि कि हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हुआ हुआ है कि बच्चों को बताते हैं भाई मैट्रिक कर लो, आगे जिंदगी सौखी सौखी है। वो बच्चा FSC में जाता है, उसको पता चलता है भाई FSC कर लो, उसके बाद इंजीनियरिंग तो बस हलवाई है। वो इंजीनियरिंग में जाता है तो उसको पता चलता है आगे तो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ प्रैंक हो गया, वो अगली लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती। तो बिल्कुल ये अस्यूम ना करें, बट इंजॉय द लाइफ अलॉन्ग द वे। मतलब ये नहीं है कि आप फुल टाइम जो है वो किताबी कीड़ा बन जाए, इंजॉय करें, लेकिन ये बिल्कुल ना समझ के आए कि भाई आप यूनिवर्सिटी चले गए तो बस जिंदगी जो है ना उधर भी एफ पाते हैं। और उधर जो है ना बहुत सारे मैंने ऐसे ब्राइट माइंडेड देखे हैं जो मतलब
वो शायद माइंड के लेके आते हैं, तो वो इतना वो उसको जो है वो हल्का लेते हैं कि वो अल्टीमेटली उनके ग्रेड्स जो शायद एफएससी और मैट्रिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, उधर जाके कोई एफ ले रहा होता है, कोई बेचारा कोई को बड़े मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहा होता है यूनिवर्सिटी। तो इसको एम लेके ले एम पॉजिटिव लेके आए, इंजॉय करें, खाली यही नहीं कि पढ़ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और ये चीजें आपके काम आएंगी जो यूनिवर्सिटी आप में डेवलप करेगी। तो ये चीज है, लेकिन बिल्कुल इस ये यूजुअली स्टूडेंट्स इसी माइंड से आते हैं, और ये एडवाइस बहुत सारे जो है और भी जो मेरे जिनका इंटरव्यू किया उन्होंने भी सेम एडवाइस दी है कि यार स्टूडेंट्स आते हैं कि पता नहीं जो है ना वो बस उधर आप चले गए हैं तो आप जिंदगी आसान हो जाएगी, तो इसको अज्यूम ना करके आए और जो है आके मेहनत करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक राफिया मेरे साहब। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पहुंचान कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि राफिया मेरे साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।